नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टीवी का सबसे खास कार्यक्रम यूपी का मुखिया कौन। दरअसल अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम कोशिश कर रहे हैं ये जानने की कि आखिर उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों का, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों का यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्या माहौल है, क्या मंत्र है और क्या तैयारियां हैं। उसी कड़ी में आज हम आए हुए हैं आगरा की जो कैंट विधानसभा सीट है वहां पर। 2017 के पहले इस विधानसभा सीट पर लगातार 3 बार बसपा की जीत हुई थी, लेकिन 2017 में बीजेपी ने यहां से जीत दर्ज की थी। और बीजेपी के जीत दर्ज करने के बाद इस विधानसभा का कितना विकास हुआ, यहाँ की जनता जो मौजूदा विधायक है उनसे कितना संतुष्ट है, और इसके अलावा मौजूदा विधायक ने अपनी इस विधानसभा में कितना काम किया, जनता के लिए कितना विकास किया, जनता के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर हुई कि नहीं हुई, शिक्षा की व्यवस्थाएं बेहतर हुई कि नहीं हुई, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब इन सारी बातों का हिसाब मौजूदा विधायक और सरकार को देना है और जनता को तय करना है कि आखिर इस बार किसको कितना मत दिया जाए ताकि वो विधायक बने, ताकि वो सरकार में आए। इसी कड़ी में आज हम आगरा कैंट सीट पर मौजूद है। यहां से बहुजन समाज पार्टी ने अपने दमदार प्रत्याशी डॉक्टर भारतेंदु अरुण साहब को प्रत्याशी इस बार बनाया है। उम्मीद इस बार यही है क्योंकि यहाँ का जो जनसमूह है, बताया जा रहा है कि जब डॉक्टर भारतेंदु अरुण साहब पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, वो उनको वो समर्थन मिल रहा है, जनता को वो प्यार मिल रहा है, और लगातार जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर भारतेंदु अरुण ने ये बोला है कि मौजूदा सरकार की कमी कहां रही है, मौजूदा विधायक की कमी कहां रही है, और आखिर अब हम अगर जीत के आते हैं, सरकार बनाते हैं, इस विधानसभा से जीतते हैं, तो उन समस्याओं का निराकरण कैसे होगा। हमारे साथ बात करने के लिए खुद डॉक्टर भारतेंदु अरुण साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर आपका। मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाह रहा था कि एक समीकरण बना हुआ था 2017 में जब बीजेपी यहां से जीत गई थी, लेकिन इस बार थोड़ी सी जो हवा है वो कुछ पलटी हुई लग रही है इस विधानसभा पे, क्योंकि मैं अभी जब लौट देख आ रहा था रास्ते से तो मैंने काफी लोगों से बातचीत करी, कुछ माहौल बदला हुआ है और लग रहा है कि 2017 का पहले जो समीकरण था बसपा वाला, वो समीकरण फिर से हो सकता है। आपको इस बार जिम्मेदारी दी गई है, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा कि मौजूदा सरकार और मौजूदा विधायक ने कितना काम किया। मैं सर्वप्रथम आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि आज प्राइम टीवी के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी छावनी विधानसभा के प्रत्याशी का आप लोग इंटरव्यू लेने आए हैं। उससे भी पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का कि उन्होंने एक कार्यकर्ता को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा है, जो कार्यकर्ता विगत 3 दशक से बहुजन समाज पार्टी में संगठन में रह करके अपनी सेवाएँ दे रहा था। छोटे से छोटा पद, बड़े से बड़ा पद जो बहन कुमारी मायावती जी ने दिया, उस पर बड़ी ईमानदारी, निष्ठा, वफादारी के साथ मैंने काम किया। अब वर्तमान में जो विधायक हैं यहाँ पर, जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, वो लगातार क्षेत्र से नदारद रहे, क्षेत्र में गए नहीं, ना कोई विकास किया। अब वो जनता के बीच में जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के वोटर, सपोर्टर, कार्यकर्ता उनका खुलकर विरोध कर रहे हैं, उन्हें क्षेत्रों में घुसने नहीं दे रहे हैं, उन्हीं के सामने उनके पैम्पलेट, हैंडबिल और पर्चे फाड़े जा रहे हैं और लोग अपना जबरदस्त उनके सामने विरोध दर्ज करा रहे हैं, जिससे उनके जो हौसले हैं काफ़ी पस्त नज़र आ रहे हैं और वो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि मेरा विरोध भारत बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मेरा विरोध क्षेत्र में करा रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा क्योंकि अभी आपने कहा कि एक लंबे दशक से आप बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, आप डॉक्टर भी हैं, आपके नाम के आगे डॉक्टर भी लगा हुआ है। एक शिक्षित प्रत्याशी अगर जीत कर आता है, क्योंकि इस क्षेत्र में अगर हम विकास की बात करें, सड़क की बात करें, नालों की बात करें, चिकित्सा की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो क्या वो सुधरी? और अगर आप जीत कर आते हैं तो इन सारी समस्याओं का किस तरह से आप हल करेंगे? क्योंकि मैं लगातार लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी में सक्रिय हूँ और हमारी सरकार 1995 में, 1997 में, 2002 में और 2007 से 12 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार इस प्रदेश में रही है। तो हमने बहन कुमारी मायावती जी की सरकार के दौरान तमाम विकास कार्य क्षेत्र में कराए हैं। जिस क्षेत्र में आज आप बैठे हैं अभी, इस क्षेत्र में 2008 में जब सरकार 2007 से 12 की थी,
तो यहाँ पर लगभग हमने 300 करोड़ का हमने काम इस क्षेत्र में कराया। जाति धर्म से ऊपर उठकर जो भी व्यक्ति हमारे पास आया उसकी हमने नाली, खरंजा, ट्रांसफार्मर आदि आदि जो समस्याएं थी उन समस्याओं का हमने निराकरण कराया। इस क्षेत्र का समुचित विकास हमने 2007 से 12 की सरकार में कराया और इस बात को यहाँ का हर जनमानस कहता है और ये महसूस करता है कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तब यहाँ पर विकास कार्य हुए। उसके बाद में 12 से 17 में जो समाजवादी पार्टी की सरकार रही और 17 से 22 जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, इन सरकारों के दौरान इन क्षेत्रों में कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो समस्या है हमारे इस छावनी विधानसभा में वो ड्रेनेज के सिस्टम खराब होने की वजह से जल भराव की समस्या है। जल भराव की वजह से सड़कें खराब रहती हैं, लोगों के घरों में पानी भरता है, लोग बड़े परेशान रहते हैं। इसी क्षेत्र में जहाँ इंटरव्यू चल रहा है आपका, जब बरसात हो जाए तो तीन तीन फुट यहाँ पर पानी रोड पर भर जाता है। तो ये यहाँ से करीब 1 किलोमीटर चलने से आगे जब चलेंगे तो वहाँ ग्रामीण विधानसभा लगती है और 1 किलोमीटर से करीब छावनी विधानसभा लगती है। तो एक नाला हम लोगों के प्रयासों से स्वीकृत हुआ, जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं उन्होंने नाला करीब 2 साल से स्वीकृत पड़ा हुआ, उन्होंने अभी निर्माण कार्य शुरू नहीं होने दिया है। कमीशन की वजह से ठेकेदार परेशान है कि जब मुझे इतना इसमें मिल ही नहीं रहा है तो मैं आपको कहाँ से दूँ। तो नाला ग्रामीण विधानसभा तक तो बन गया है, छावनी विधानसभा में जहाँ से शुरुआत हो रही वहाँ से नाले का निर्माण नहीं शुरू हुआ है। दावे कैसे कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमने जो काम कर दिया वो बीती सरकारें कर ही नहीं सकती, और अगर वो रिपीट करके आते तो भी वो नहीं कर सकते। इतना बेहतर विकास, इतनी बेहतर व्यवस्थाएं हमने कर दी है कि एक बार फिर से हम उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। ये दावे किस बात पे है? क्योंकि आप जिस तरह से पोल खोल रहे, आप जिस तरह से बता रहे कि मौजूदा विधायक ने क्या काम किया, नाले बनाने की स्वीकृति मिली वो तक नहीं बन पाया यहाँ पर, तो ये किस बिहाफ पर या किस मुद्दे पर इस बात को कहा जा रहा है? अगर इनको अपने विकास पर, इनकी कार्यशैली पर, इन्होंने जो 2017 में सरकार बनने से पूर्व आम जनमानस के बीच में ये मैसेज देने का कार्य किया, इन्होंने कहा कि बहुत हुआ भ्रष्टाचार अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार अब की बार भाजपा सरकार, इन्होंने अच्छे दिन के सपने दिखाए। तमाम आप लोगों के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से तमाम जनमानस को इतने सपने दिखा दिए, इनको इतना प्रचंड बहुमत मिला। और अगर इन्होंने विकास कार्य किए हैं, जैसा कि इनका नारा है सबका साथ सबका विकास, अगर विकास कार्य किए हैं तो इनके डिप्टी सीएम गली गली में घूम रहे हैं, इनके सीएम गली गली में घूम रहे हैं, इनके सेंट्रल होम मिनिस्टर वो गली गली में पर्चे बांट रहे हैं। अगर विकास कराए तो कहीं घूमने की जरूरत नहीं, जनता अपने आप वोट देगी। अब मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा कि आगे की क्या रणनीतियां हैं? जनता के बीच आप जा रहे हैं, जनता के बीच में आपको अच्छा खासा जो सपोर्ट है वो भी दिख रहा है, मिल रहा है, उम्मीद क्या लगाई जाए? उत्तर प्रदेश की तस्वीर इस बार क्या? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से छावनी विधानसभा के सर्व समाज के लोगों को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ इस बात के लिए कि आज हमें सर्व समाज का जो जन समर्थन मिल रहा है, बहुत अच्छी जीत हमारी इस विधानसभा से होगी और हम लोग चौथी बार इस विधानसभा को जीत करके अपनी 5वीं बार सरकार बनाने में हम महत्वपूर्ण अपना योगदान छावनी विधानसभा से देंगे। अगर जनता हमें अपना पूरा भरपूर आशीर्वाद देती है, हमें यहाँ से अपना प्रतिनिधि चुनती है, तो सबसे पहले हमारा ये जो नालों की समस्या, जल भराव की समस्या है, इस पर हमारा प्रायोरिटी पे काम होगा। उसके बाद में जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार के दौरान लोगों को रोजगार मिलता है उस पर हम लोग कार्य करेंगे। तमाम लोगों को नौकरियां बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी सरकार के दौरान दी, लोगों को कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित कराया, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी सुदृढ़ रहती है हमारी सरकार के दौरान कि आज चाहे समाजवादी पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति हो, वो दबी जवान से ये कहने के लिए मजबूर हो जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अगर देखी गई सबसे बढ़िया तो बहन कुमारी मायावती जी की सरकार के दौरान देखी गई। हम लोग यहाँ से जीत के जाते हैं तो आगरा में सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि ये आगरा की हार्ट है छावनी विधानसभा, ये हार्ट है, तो यहाँ से जुड़े हुए तमाम मुद्दे हैं। ताजमहल हमारी विधानसभा के अंतर्गत आता है, यहाँ पर बैराज की प्रमुख समस्या है,
अगर बैराज का निर्माण हो जाता है तो यहाँ पर जो पानी का जो ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो काफी नीचे चला गया है, वो वाटर लेवल ऊपर हो जाएगा तो लोगों की पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। आगरा में खंडपीठ की बहुत समस्या है, तमाम हमारे जो वकील भाई हैं वो आए दिन आंदोलन करते हैं। हमारी सरकार दो अगर पांचवी बार बनती है तो हम लोग बहन जी से अनुरोध करके यहाँ आगरा में खंडपीठ की स्थापना भी कराएंगे। आगरा में क्योंकि पर्यटन उद्योग है, पर्यटन से जुड़े हुए लाखों लोग हैं जिनकी रोजी रोटी चली गई है, लोग परेशान हैं, दुखी हैं, उस पर्यटन उद्योग पर भी हमारी पूरी निगाह रहेगी कि हम उससे जुड़े हुए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलवा सकें, उनके घर परिवार का चूल्हा अच्छी तरह से जल सके, इस पर हमारा पूरा फोकस रहेगा। क्योंकि ये आगरा विश्व प्रसिद्ध शहर है, यहाँ पर लोगों की निगाह रहती है। आगरा में स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों को छला जा रहा है, ठगा जा रहा है। आज मैं आपको ताजगंज क्षेत्र में कभी आप जाकर के देखिए, स्मार्ट सिटी के नाम पर जो काम चल रहा है, 100 स्मार्ट सिटी बनाने का इनका लक्ष्य था। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि आगरा जैसा शहर वो नहीं स्मार्ट बन पाया तो इन्होंने कौन सा ऐसा स्मार्ट सिटी देश में बना दिया है, ये हमारी समझ से परे है। बात करने के लिए तो ये थे डॉक्टर भारतेंदु अरुण। देखिए आगरा की अगर बात करी जाए तो ये शहर जितना खूबसूरत है यहाँ पर समस्याएं भी उतनी ही हैं। हम जिस विधानसभा में मौजूद थे उस विधानसभा का यहाँ से बसपा के प्रत्याशी हैं भारतेंदु अरुण साहब, और साफ तौर पर उन्होंने बताया कि बीते 5 साल में यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो और बढ़ गई है। ड्रेनेज की समस्याएं हो गई है, पानी निकासी की सबसे अहम समस्या है जिस पर कहीं ना कहीं काम नहीं हुआ है, नालों की समस्याएं हैं, इसके अलावा कई और स्वास्थ्य की समस्याएं, शिक्षा की समस्याएं, बेरोजगारी की समस्याएं, कानून व्यवस्था की समस्याएं, कई सारी समस्याएं। बसपा की सरकार आएगी तो इन सब का हल निकाला जाएगा, और इस विधानसभा से अगर डॉक्टर भरतेंदु अरुण जीत कर आते हैं तो जाहिर सी बात है इस जो विधानसभा है इसका विकास बेहतर तरीके से हो पाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। अब ये 10 तारीख नतीजे बताएंगे कि क्या होगा, लेकिन जिस तरह से कहीं ना कहीं इस विधानसभा में इनको सपोर्ट मिल रहा है, जनता का समूह इनके साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे कहीं ना कहीं ये साफ साबित हो रहा है कि इस बार इस विधानसभा का जो नतीजा होगा वो कहीं ना कहीं उलटता हुआ नजर आएगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं नितिन, प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।